उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर आज घमासान बवाल हुआ। बवाल कहें या प्रदर्शन कहें, एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, एमएलएज, तो एक तरफ लखनऊ पुलिस की पुख्ता तैयारी कि आखिर उनको विधानसभा तक पहुंचने से रोका कैसे जाए। अगर मैं आपको शुरुआत तस्वीर से करूं तो आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो ये आप बैरिकेड्स देखेंगे कि यहां पर तमाम बैरिकेड्स यहां पर लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं। लखनऊ में घमासान बारिश भी हो रही है और इस तेज बारिश के बीच इन जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे समाजवादी पार्टी के एमएलए को रोकें विधानसभा जाने के लिए। और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये जो सामने का रूट है ये जाता है कहां, ये जाता है विधानसभा की ओर। यहां से विधानसभा मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब आप देखिए ये बस यहां पर खड़ी आपको नजर आएगी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ये बस नीले रंग की पुती हुई है। हालांकि इसकी जरूरत ज्यादा पड़ी इसलिए नहीं, कार्यकर्ता जरूर आए पर उनका शायद नंबर उतना नहीं था जितना इनको 3-4 बसेस का इस्तेमाल करना पड़े। यूं तो कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है जिसमें एमएलएज भी हैं, एमएलसीज राजपाल कश्यप, एमएलएज में मनोज पांडे, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, कई अन्य जिलों के भी आए विधायकों को डिटेन किया गया और उनको इस बस के जरिए, इस बस के थ्रू पुलिस ने इको गार्डन भेजा। और इको गार्डन भेजने के बाद अब वो वहां से उनको कुछ टाइम बाद रिलीज किया जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट इसी के साथ खत्म हुआ, पर नजर हमारी इस पर कि आखिर इस प्रदर्शन के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि पहला शक्ति प्रदर्शन इसको कहा जा रहा है यूपी के चुनाव के बाद। अखिलेश ग्राउंड पर दिखने भी लगे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं ने तमाम बार जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर्स थे उन्होंने ही सवाल उठाया था कि आखिर समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर कब नजर आएगी। तो क्या इस प्रदर्शन को इस तरह से देखा जाए कि वो लोकसभा चुनाव और निकाय चुनावों से पहले पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो अब ग्राउंड पर नजर आएगी, क्या मायने निकाले जाए, ये चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। पर अखिलेश का मैसेज साफ है, आने वाले 4 दिन यानी कि मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले, 19 सितंबर होने से पहले जितने भी दिन बचे हैं उन सभी दिनों इस तरह के प्रदर्शन होने हैं। आज अगर समाजवादी पार्टी से रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे को लीड कर रहे थे तो आने वाले दिनों में इंद्रजीत सरोज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेश उत्तम पटेल उनके साथ इंद्रजीत सरोज और भी तमाम नेता इस तरह के प्रदर्शन को आने वाले वक्त में लीड करते नजर आएंगे। पर देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आज जो प्रदर्शन तो हुआ, घमासान भी हुआ, भरा गया बस उसमें, महिलाएं भी थीं, मर्द भी थे, पर जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ऐसी कई वजहें थी, जो दिग्गज नेता थे उनको रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, रात में 12 बजे पुलिस पहुंच गई और उन्होंने उनके बाहर पहरा लगा दिया जिसके बाद वो नेता बाहर ही नहीं निकल पाए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबने देखा कि क्या हुआ, जो आपको यूपी तक ने भी दिखाया बताया। पर अब नजर सबकी कल पर टिकी है कि क्या प्रदर्शन कल इससे भी ज्यादा उग्र हो सकता है या प्रदर्शन आज के बाद थोड़ा नरम पड़ेगा, ये चर्चा का विषय है। पर फिलहाल आज जिस तरह का घमासान यहां पर देखने को मिला है उससे एक बात साफ है कि यूपी की राजनीति में अब हलचल बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि वो अब ग्राउंड पर दिखेंगे। और ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं इसी गेट से भारी संख्या में कार्यकर्ता और एमएलएज एमएलसी सब बाहर आए थे, उनके हाथ में पोस्टर्स थे जिसमें वो बीजेपी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे थे। तो अब देखना यह है कि इन सभी चीजों के बीच में क्या समाजवादी पार्टी लोगों के दिलों में वापस जगह बना पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह के पोस्टर्स अखिलेश के दिखे हैं उसके पास सच फोकस ये है कि किस तरह से कुर्मी वोट को भी अपने पास लाया जाए। एक बड़ा फैक्टर है कि अखिलेश प्लस नीतीश की जोड़ी लोकसभा चुनाव से पहले बनाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के प्रदर्शन एक दस्तक देने के लिए है कि विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है जो कहीं ना कहीं अभी तक गायब नजर आता था। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ यूपी तक।